बहुत पहले से ही नाम है, उन्होंने बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ काम किया है जी। मेरा क्वेश्चन ये है कि आप प्रेरणा कहाँ से मिली लाइक म्यूजिकल डेब्यू करने की, संगीत को श्रद्धांजलि देने की? मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी देर पहले सरिता जी ने स्टेज से एक बात कही थी कि ये सारी चीज़ें संस्कारों में आती हैं, और ये हम भाग्यशाली हैं कि हमने ऐसे पिता के घर में हमने जन्म लिया, माता के घर पे हमने जन्म लिया, और शायद उन्हीं के ये संस्कारों का फल है। मुझे खुशी है आज शैलेंद्र ने सी आनंद कुमार को याद करके ये म्यूजिकल ट्रिब्यूट दिया है। हर संतान अपने माँ बाप के चिन्हों पर चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन शैलेंद्र जी जिन्होंने अपने पिता को एक सच्ची ट्रिब्यूट दी है संगीत, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगी उन्हें। शुभकामनाएं मेरी शैलेंद्र जी, और अच्छा लगा आज यहाँ आके, अच्छे अच्छे गायक कलाकार हैं, बहुत बड़े बड़े कलाकार हैं, उनको सुनने का एक मौका मिला। आनंद जी हमारे बड़े मित्र थे, उनके साथ में हमारा बहुत संपर्क रहा जी, बहुत पुराना उनसे संबंध था हमारा, और ये भी राजस्थान से हैं, हम लोग सब राजस्थान से जी, और खानदानी गाने बजाने का हमारा काम है। सुमिरन करने मेरे मना तेरी बीती उम्र हरि नाम बिना, सुमिरन करने मेरे बहुत अच्छे जानकार थे आनंद जी, और उनको बोलते थे आनंद कुमार सी, और बहुत बड़े गायक थे, कंपोजर थे। बहुत अच्छा लगा, और एक अच्छे फनकार की इज्जत अफजाई हो रही है, बहुत खुशी हुई। और मेरी उनसे मुलाकात लगभग 40-45 साल से है, और क्योंकि मुझे भी शौक था बचपन से गाने का, तो कई जगह उनसे मुलाकात होती थी। और आनंद भाई खुद इतने सुलझे हुए कलाकार थे, इतनी उनकी साफ आवाज़ थी और काफ़ी रेंज थी। आज जैसे आपने सब उनके गाने सुने होंगे फिल्मों में, कुर्बानी फिल्म में भी उन्होंने गाया था, और कई भजन गाए, और ख़ास तौर पे उन्होंने गुजराती फोक बहुत गाया, क्योंकि उनकी जो आवाज़ का लगाने का जो तरीका था वो उस फोक में इतना अच्छा लगता है, और थे राजस्थान के लेकिन गुजराती भी बहुत अच्छा। आनंद जी से मेरी पहचान कुछ 20-25 साल पहले हुई है। बहुत ही अच्छा व्यक्तित्व और बहुत ही खुश मिजाज इंसान थे, और बहुत ही अच्छा गाते थे, और उनका पास बहुत भंडार था नॉलेज का, और अच्छा गाते थे, और फोक में थिएटर में बहुत उनका नाम था, और उनकी जो वॉइस क्वालिटी बहुत बहुत ही लाजवाब थी। मैं एक खास बात बताना चाहूँगा, आनंद जी से मेरा संबंध 1970 से है। मैं जब नया नया बॉम्बे आया था, लोग बाग उसको प्रस्थान भी देते हैं, पर एक दिन मेरे को मिल गया रस्ते में, मेरे कहने भाई बेटा क्या चल रहा है, मैंने कहा इस पर नया आया हूँ और कुछ कोशिश कर रहे हैं, तो उन्होंने मेरे को बोला कि भाई कभी तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो, आई मीन फाइनेंशियली किसी भी चीज़ की जरूरत हो तो मेरे पास आना, मैं मतलब तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, तुम्हारे लिए विचार करता हूँ।